आज ये लड़का का बर्थडे है, इसलिए हम दोनों पैदल से घूम रहे हैं। एनर्जी पार्क में आया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है ये लड़का का बर्थडे, तो इसलिए मैं इसको स्पेशल ट्रीट देने के लिए पार्क में लेके आया हूँ। पार्क, एनर्जी पार्क। केक कटने के लिए औकात नहीं है, केक कटने के लिए औकात नहीं है। ऐसा बात नहीं है, केक तो हम कट सकते हैं और पार्टी भी कर सकता था, लेकिन मेरा बदन जो है पूरा ठीक नहीं है, इसलिए मैं सोचा अभी नहीं करूँगी। जब मेरा बदन अच्छा से ठीक हो जाएगा तब हम लोग अच्छा से पार्टी मनाएगा। पानी का सामने में नहीं बैठना ठीक था। क्यों? ये डर गया, अभी यहाँ किचन में घुसेगा तो मालूम है किचन में। आइए मैं आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ। ये देखिए कितना मज़ा है। मैं पहले से जीरो जाने का सपना देख रहे थे, लेकिन जा तो नहीं पा रहे हूँ, तो क्यों ना हम अपना ईटानगर में एनर्जी पार्क में ही आके जीरो जैसा फ़ोटो वगैरह खींच लेते हैं, मैंने सोचा। और ये नज़ारा जो है बहुत मज़ा है, रियल आँख से अगर आप देखेगा तो। ये कैमरा में तो इधर उधर का हो रहा है, लेकिन अगर आप आँख से अपना आँखों से देखेगा तो और भी अच्छा लगेगा। जो जो जीरो नहीं जा पा रहा है, मतलब वहाँ का फ्लावर्स वगैरह में फोटो नहीं खींच पा रहे, आप इधर आके इंजॉय करेगा अपना फैमिली के साथ। और लोकेशन को मैं बताऊंगी, ये है एनर्जी पार्क, जो कि हमारे आईजी पार्क के बाहर में है, नीति विहार कहेंगे शायद। देखिए कितना मज़ा है, हमको जो है ना फूल लोग को देखे बहुत शांति लगता है, इसलिए मेरा घर में भी हम बहुत सारा फूल लगा के रखा है। पहले ज़माने में ऐसा कहानी सुना था, जो फूल पालता है बहुत अनलकी होता है ऐसा कहता है। क्या सच्ची में ऐसा होता है? प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। वाह, ये बहुत बड़ा है, इसके बहुत इतना सामान है। वो सच है, वो बच्चों का जो है हम लोग के लिए। क्या है भाई के लिए? देखो लो, ये मेरा है, लो कॉल के दो। वाह वाह, जीवा गुए गुए, यो यो यो, ये क्या करेगा? लो कॉल लेगा। वाह, ये इसलिए रो रहे कि क्योंकि मतलब मेरा हस्बैंड जो है ना उसको मतलब कैंडल से डराया था, क्योंकि वो आग घर में जो आग होते उससे खेल रहा था, तो डराने का कारण ये जो डर के भाग रहे। तो अभी हम जैसे तैसे एडजस्ट करके इसको केक कटवाने के लिए कर रहे, तो इसलिए मैंने कैंडल को बुझा लिया है। एक्चुअली हम बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए नहीं सोचा था, ये जो है केक जो है मेरे हस्बैंड का रिलेटिव्स ने लाया है, तो इसलिए हम लोग ये केक को काटा है और कुछ गिफ्ट मिला है ये इज़बान को। ये तो और भी मजा है ना, पहले तो अकम अकम दे छोटा ही लग मजा होती है। यहाँ पे अभी लकड़ी इलाज करना है, काट के वापस डाल दो ना। तो अभी हम लोग मेरा किचन गार्डन से आलू निकल रहा है, इसको अभी हम लोग जला के खाएगा। मेरा जो सासू मोम है वो बस्ती में रहता है, पहले जब यहाँ में था उन्होंने ये इसको डाल के गया था, तो अभी इसका सीजन तो नहीं हुआ है लेकिन ऑलमोस्ट आने वाला है, इसलिए हम लोग इसको निकल के खा रहे। ओ वहाँ पे बिता लगा, हम उसको थोड़ा देखने जाएगा। मालिक जो तो करो ना, खाओ ना, पियो ना, निकलो ना। और है क्या?
एक्चुअली हमको लगा था कि ये बहुत बड़ा है, बड़ा होने का कारण ऊपर में थोड़ा सा ऐसा निकल के रखा, लेकिन अभी देखे तो बस ऊपर में है, नीचे में कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी बांजा जो ट्राई कर रहे हैं कुछ है कि नहीं, बस इतना छोटा सा निकला हुआ है। कभी कभी हम फैमिली लोग को ऐसा ही गैदरिंग होना चाहिए, और क्योंकि गैदरिंग होने से बातचीत करने के लिए बहुत कुछ निकलता है और खाना एक साथ खाने से अच्छा लगता है। तो इसी तरह अभी हम लोग भी नोकझोंक कर रहा है। तो गया साल तो मैंने मतलब बर्थडे उसमें भी हम नहीं मनाएगा सोचा था, लेकिन मेरा बेटा का फर्स्ट बर्थडे था तो मेरा बदन भी ख़राब था तो इसलिए हम नहीं मनाएगा सोचा था। लेकिन मेरा जो हस्बैंड का भैया है, जो मेरा बेटा का चाचा है, उन्होंने हमें मना दिया था, तो इसलिए उनके लिए भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ। लेकिन इस बार हम नहीं मना पाए, तो आने वाला साल हम मनाने की कोशिश करेंगे। और ये है वो आलू, अभी इसको जला के पकने का बाद ये देख रहा है। मैं एक्चुअली मुझे नहीं खाना चाहिए था, लेकिन मुझे तेज़ करने का मन था ना, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा तेज़ किया है। और ये गिफ्ट आया है इस वन का दीदी से। तो मैं ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। हम आई एम रियली सॉरी मेरा रिलेटिव्स लोग को, मतलब मैंने फोटो डाला तो उन लोग को लगा कि उन लोग को इनवाइट नहीं किया है, मतलब वो केक जो मतलब वो बांजा लोग गलती से लाया था, तो हमने केक काटा है बस, और कुछ सेलिब्रेट तो नहीं किया है। तो नेक्स्ट टाइम मनाऊँगी।